मूवी की स्टार्टिंग एक ऐसे बूढ़े आदमी से होती है जिसे अल्जाइमर्स डिजीज थी और उसे कुछ याद नहीं रहता था। उसका बेटा जो कि एक साइंटिस्ट था अपने बाप के लिए बहुत परेशान रहा करता था। वो अपने फादर के लिए एक ऐसी मेडिसिन बनाना चाहता था जिससे उनको चीजें याद रहे और वो बिल्कुल ठीक हो जाए। आखिरकार एक दिन वो साइंटिस्ट अपनी इस कोशिश में कामयाब हो जाता है। वो इस बीमारी की मेडिसिन तैयार कर चुका था। हाँ, इसका रिजल्ट देखने के लिए वो इसे इंसानों से पहले गोरिल्ला पर टेस्ट करते हैं। जब गोरिल्ला पर ये टेस्ट कर लिया जाता है तो उसमें जो चेंजेस आते हैं बहुत इंटरेस्टिंग थे। वो बहुत ज्यादा अकलमंद और चालाक हो गया था। इसे देखकर वह साइंटिस्ट बहुत ज्यादा खुश होता है और एक सीनियर से शेयर करता है। साइंटिस्ट कहता है कि मुझे अब इसे इंसानों पर टेस्ट करना है। उसका सीनियर कहता है लेकिन इसके लिए तो तुम्हें बोर्ड से इजाजत लेनी होगी। साइंटिस्ट कहता है कि मुझे यकीन है कि वो लोग मुझे इजाजत दे देंगे। अब उस साइंटिस्ट की बोर्ड मेंबर्स के साथ मीटिंग रखी जाती है। वो लोग इससे सवाल करते हैं कि तुम्हारी बनाई गई मेडिसिन के क्या फायदे हैं। तो साइंटिस्ट कहता है कि मैंने इसे चिंपैंजी पर टेस्ट किया और वो बहुत अकलमंद बहुत चालाक हो गया। वो कहता है कि मैं चाहता हूँ कि मैं इसे इंसानों पर भी टेस्ट करूँ ताकि उनकी अल्जाइमर्स बीमारी ठीक हो सके। बोर्ड मेंबर्स उसकी बनाई गई इस मेडिसिन पर उसकी तारीफ करते हैं और उसके इस काम से काफी खुश भी थे। अब हम देखते हैं कि जिस जगह उन लोगों ने वो चिंपैंजी रखा होता है वहाँ पर एक आदमी चला जाता है। चिंपैंजी उसको देख के गुस्से में आ जाता है और अजीब रिएक्ट करने लगता है। वो उस आदमी पर अटैक करता है और हर जगह तोड़ फोड़ करने लगता है। इसी तरह गुस्से में इधर उधर जाते हुए वो उस जगह पहुँच जाता है जहाँ पर साइंटिस्ट का इंटरव्यू हो रहा था। ओह, ये क्या हो गया? साइंटिस्ट का इंप्रेशन तो गलत पड़ सकता था क्योंकि चिंपैंजी इतने गुस्से में था कि वो लोग उसे कंट्रोल भी नहीं कर पा रहे थे। तभी वहाँ पर एक आदमी आता है और उसे शूट कर देता है। बोर्ड मेंबर्स जो कि काफी डर गए थे वो साइंटिस्ट से कहते हैं कि हम तुम्हारे इस इन्वेंशन पर बिल्कुल गौर नहीं कर सकते, तुमने देखा इसका रिएक्शन। साइंटिस्ट बहुत उदास हो जाता है तो बोर्ड मेंबर्स कहते हैं कि नहीं, तुम्हारी मेडिसिन में जरूर कोई ऐसी बात थी जिसकी वजह से चिंपैंजी गुस्से से पागल हो गया। जिन दूसरे चिंपैंजीज पर तुमने अपनी मेडिसिन को टेस्ट किया उनको भी मार देना बेहतर है। साइंटिस्ट काफी दुखी होकर बाहर आ जाता है। तभी बाहर उसको वो आदमी मिलता है जो कि चिंपैंजीज का केयर टेकर था, उनका ख्याल रखा करता था। वो साइंटिस्ट से कहता है कि मैं तुम्हें समझ सकता हूँ और मुझे तुम्हारी बनाई गई मेडिसिन पर यकीन भी है। वो फीमेल चिंपैंजी तुम्हारी मेडिसिन के असर से पागल नहीं हुई, इनफेक्ट कुछ देर पहले उसका बेबी हुआ था और जब हम उसके रूम में गए तो उसे ये लगा कि हम उसके बेबी को कोई नुकसान पहुंचा देंगे, इसलिए वो एग्रेसिव हो गई। उसे गुस्सा आ गया जो कि किसी भी माँ का रिएक्शन हो सकता है। साइंटिस्ट समझ जाता है कि वाकई इसमें मेरी मेडिसिन का कोई कसूर नहीं था। वर्कर साइंटिस्ट से कहता है कि मैंने इनके ऑर्डर के मुताबिक बाकी चिंपैंजीज को तो मार दिया लेकिन वो बेबी चिंपैंजी अभी भी जिंदा है। तुम चाहो तो उसे यहाँ से ले जा सकते हो क्योंकि वो अपनी माँ की तरह ही बहुत इंटेलिजेंट होगा, जाहिर है क्योंकि तुमने उसकी माँ को तब ये मेडिसिन दी जब उसका बेबी होने वाला था। साइंटिस्ट उस बेबी चिंपैंजी को अपने घर ले आता है। जब वो घर आता है तो साइंटिस्ट के फादर उसे फीटर देते हैं यानी दूध की बोतल जिसे वो फौरन से पी लेता है। वो उनके साथ अच्छे से घुल मिल गया था और वो ऐसी हरकतें करता था जैसे कोई 4-5 साल का बच्चा करता है। वक्त गुजरता गया और अब वो 1 साल का हो चुका था। वो बहुत शरारती भी था और इंटेलिजेंट भी। वो सब कुछ सीख गया था, इवन कलर्स नेम शेप्स को पहचानना और गेम्स भी खेलना। अब हम देखते हैं कि 2 साल और गुजर जाते हैं। वो चिंपैंजी अब 3 साल का हो चुका था। उसका दिमाग बहुत बहुत तेज काम करता था जबकि इसके उल्ट साइंटिस्ट के फादर का दिमाग और भी कमजोर होता जा रहा था। वो इस बीमारी की वजह से तकरीबन पागल हो चुके थे। इस वजह से उनकी नर्स भी कहती है कि अब इनका इलाज मेरे बस में नहीं, इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाओ, जिसको सुनकर साइंटिस्ट काफी परेशान हो जाता है। अगले दिन वो अपनी लैब में जाता है और चुपके से वो बनाई गई मेडिसिन उठा लाता है। वो कहता है वैसे भी तो मेरे फादर पागल हो रहे हैं तो क्यों ना मैं उन पर ये मेडिसिन लगा कर देखूं, क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो इन्हें ठीक कर देगी। अब वो घर आकर अपने फादर को ये मेडिसिन लगाता है। जब वो सुबह उठकर देखता है तो उसके फादर पियानो बजा रहे होते हैं। वो बहुत खुश हो जाता है क्योंकि मेडिसिन ने पॉजिटिवली काम किया था। उसका फादर भी देख के काफी खुश हो जाता है और अपने बेटे से कहता है कि मुझे मिलवाओ ना उस चिंपैंजी से जो हमारे साथ रह रहा है। लेकिन वो चिंपैंजी किसी के घर में उनके बच्चों की साइकिल लेने जाता है क्योंकि वो भी साइकिलिंग करना चाहता था। लेकिन उस घर का मालिक उसे पकड़ लेता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी वहाँ पर वो साइंटिस्ट उसका बाप आ जाता है। वो उसे रोकते हैं और कहते हैं कि ये बिल्कुल भी हार्मफुल नहीं है, ये बस खेलना चाहता था। लेकिन इस दौरान चिंपैंजी को एक छोटी सी चोट भी आ गई थी। वो साइंटिस्ट उसे अपने साथ जू लेकर जाता है ताकि उसे अच्छा फील हो बाकी जानवरों को देख के। बेसिकली वो उसे जानवरों के डॉक्टर के पास लेकर जा रहा होता है। अब वो उस फीमेल डॉक्टर के पास पहुंच चुका था। जब वो डॉक्टर उस चिंपैंजी का इलाज शुरू करती है तो वो देखती है कि ये तो बहुत अच्छा और इंटेलिजेंट है क्योंकि वो साइंटिस्ट से इशारों में बातें कर रहा होता है।
वो ये देख के काफी हैरान होती है। तो साइंटिस्ट कहता है ये शुरू से ही बहुत जहीन है। अब चिंपैंजी को भी वो डॉक्टर अच्छी लगने लगी थी, तो वो साइंटिस्ट से इशारों में कहता है कि तुम लोगों को एक साथ खाना खाना चाहिए। वो डॉक्टर पूछती है कि क्या कह रहा है ये, तो साइंटिस्ट उसे सब कुछ बता देता है। अब वो डॉक्टर उनके घर भी आने लगी थी। वो नोटिस करती है कि चिंपैंजी हमेशा खिड़की से बाहर देख रहा होता है, यानी उसका बाहर की दुनिया देखने का दिल चाहता है। तो वो साइंटिस्ट से कहती है कि हमें इसे घुमाने लेके जाना चाहिए। उन तीनों में काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। अब वो लोग उस चिंपैंजी को घर के पास वाले एक पार्क में लेकर जाते हैं जहाँ पर और कोई नहीं था। चिंपैंजी वहाँ जाके बहुत खुश होता है, वो खेलने लगता है। अब वो लोग उसे यहाँ पर हमेशा लेकर आते। इसी के साथ साथ वक्त गुजरता गया और अब वो चिंपैंजी पूरे 5 साल का हो चुका था। वो फीमेल डॉक्टर और साइंटिस्ट भी अब रिलेशनशिप में आ चुके थे। अब वो चिंपैंजी क्योंकि समझदार हो चुका था, तो वो साइंटिस्ट के पास जाता है और कहता है कि क्या मैं आपका पालतू जानवर हूँ, ये सब कुछ वो इशारों से पूछ रहा था। तो साइंटिस्ट कहता है कि नहीं, तुम मेरे प्यारे बेटे हो। तो चिंपैंजी कहता है कि नहीं, मुझे बताए मैं कहाँ से आया। तो साइंटिस्ट कहता है कि आओ मैं तुम्हें दिखाता हूँ, और इसी के साथ वो उसे उस जगह ले जाता है जहाँ पर उसकी माँ थी। वो उसे सब कुछ बता देता है और कहता है कि तुम भी इसीलिए इंटेलिजेंट हो क्योंकि तुम्हारे पर भी उस मेडिसिन का असर है। जब वो लोग घर आते हैं तो वो साइंटिस्ट देखता है कि उसके फादर की तबीयत पहले जैसी हो रही है, यानी उन पर उस मेडिसिन का असर खत्म होता जा रहा था। एक दिन हम देखते हैं कि साइंटिस्ट का फादर गाड़ी में बैठ के उसे चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो सब भूल चुका था कि उसे कैसे चलाना है। गाड़ी रैंडमली मूव करने लगती है जिससे आगे खड़ी हुई गाड़ियों को नुकसान पहुंचता है। चिंपैंजी खिड़की से ये सब कुछ देख रहा होता है, उससे रहा नहीं जाता और वो नीचे आता है। वो उस आदमी पर अटैक कर देता है क्योंकि ये वही आदमी था जिसने बचपन में चिंपैंजी को मारने की कोशिश की थी। चिंपैंजी उसकी उंगली काट देता है। जब कोर्ट को ये बात पता चलती है तो वो डिसीजन लेते हैं कि ये चिंपैंजी अब घर में नहीं रहेगा, इसे वहाँ रखा जाएगा जहाँ दूसरे चिंपैंजी रहते हैं। साइंटिस्ट को ये सुनके बहुत अफसोस होता है क्योंकि वो चिंपैंजी उसका फैमिली मेंबर था, लेकिन स्टिल वो कानून के हाथों मजबूर था, उसे करना पड़ता है। वो उस चिंपैंजी को वहाँ पर छोड़ आता है, लेकिन वो चिंपैंजी उसे इशारों में कहता है कि मुझे मत छोड़ के जाओ, मैं यहाँ नहीं रह सकता। लेकिन साइंटिस्ट कहता है कि अब तो तुम्हें यहाँ पर रहना होगा। वो काफी उदास था और दिल पर पत्थर रख के उसे वो वहाँ पर छोड़कर आ जाता है। चिंपैंजी भी काफी उदास हो जाता है। साइंटिस्ट इनफैक्ट इस बात को लेकर भी परेशान था कि उसके फादर पहले की तरह हो रहे थे। वो कहता है कि मैं अब और अच्छी मेडिसिन बनाऊंगा जिससे मेरे फादर हमेशा के लिए ठीक हो सके। वो ये बात अपने बॉस से शेयर करता है कि मैंने ये मेडिसिन अपने फादर पर चेक की थी, उनमें बहुत अच्छे चेंजेस आए थे। वो कुछ टाइम के लिए ठीक तो हो गए, लेकिन ये मेडिसिन इतनी ज्यादा स्ट्रांग नहीं थी कि उनका हमेशा के लिए ठीक कर सकती। लेकिन फिक्र वाली बात नहीं, मैंने एक बहुत ज्यादा स्ट्रांग मेडिसिन तैयार कर ली है जो कि ज्यादा देर तक असर कर सकती है। बॉस ये सुनके काफी पछताता है कि मैंने पहले तुम्हें इस मेडिसिन को इंसानों पर यूज करने की इजाजत क्यों नहीं दी। तो साइंटिस्ट कहता है कि क्या अब मुझे इजाजत है। तो बॉस कहता है कि हाँ, तुम इसको कंटिन्यू करो और अगर ये काम कर गई तो हमारी कंपनी को करोड़ों रुपए का फायदा हो सकता है। दूसरी तरफ हमें वो चिंपैंजी दिखाया जाता है जो कि बहुत उदास था। उसे वैसे ही ट्रीट किया जा रहा था जैसे दूसरे जानवरों को। उसे जिस जगह कैद किया हुआ था वो उस दीवार पर एक ड्राइंग बनाता है जो कि उस खिड़की का नक्शा था जिससे वो अपने घर में बाहर देखा करता था। ये सीन बहुत ही ज्यादा सैड है क्योंकि वो अपने घर को मिस कर रहा था। फिर हम देखते हैं कि वो सब लोग एक चिंपैंजी पर उस दवाई का टेस्ट करते हैं जो कि साइंटिस्ट ने दोबारा बनाई थी, जिसके नतीजे में वो चिंपैंजी बहुत बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट हो जाता है। इसका मतलब ये था कि वो दवाई कामयाब हो गई। फिर साइंटिस्ट ने पेट चिंपैंजी से मिलने जाता है। वो उसे बताता है कि ये लोग मेरे साथ अच्छा सलूक नहीं कर रहे, मुझे घर जाना है। पर वो कहता है कि तुम्हें यहाँ पर ही रहना होगा जब तक कि कोर्ट मुझे इजाजत नहीं दे देती। साइंटिस्ट वहाँ के वर्कर से कहता है कि तुम्हें इसका ख्याल रखना होगा वरना मैं तुम्हें तुम्हारी नौकरी से निकलवा दूंगा। उसे फिर से चिंपैंजी को वहाँ पर छोड़ कर आना पड़ता है। अब की बार चिंपैंजी बहुत ज्यादा उदास हो गया था कि फिर से मुझे छोड़ कर चला गया। अब साइंटिस्ट जब घर जाता है तो देखता है कि उसके डैड की हालत बहुत खराब हो चुकी है। वो उसे कहता है कि आए मैं आपको नई मेडिसिन लगाता हूँ जिससे आप ठीक हो जाएंगे। तो उसका डैड कहता है कि नहीं, अब बहुत देर हो चुकी। और फिर हम देखते हैं कि कुछ ही देर में उसके फादर की डेथ हो जाती है। साइंटिस्ट काफी दुखी हो जाता है और वो वहाँ से उस चिंपैंजी के पास जाता है। वो उस जगह के इंचार्ज को ढेर सारे पैसे देता है और कहता है कि मेरा चिंपैंजी मेरे हवाले कर दो। तो इंचार्ज मान जाता है और उसे चिंपैंजी घर ले जाने की इजाजत दे देता है। लेकिन साइंटिस्ट जब उस चिंपैंजी के पास जाता है तो वो चिंपैंजी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो कहता है कि अब मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, और ये कहकर वो दरवाजा बंद कर लेता है और दूसरी तरफ मुंह कर लेता है। साइंटिस्ट को वहां से जाना पड़ता है। एक दिन वहां का वर्कर अपने कुछ दोस्तों को वहां पर लाता है। जब उनमें से एक लड़का चिंपैंजी के पास आता है तो ये उसकी जेब से एक नाइफ निकाल लेता है और फिर रात को उस नाइफ की मदद से अपने केज का दरवाजा खोल लेता है।
फिर वो बाहर आता है और एक और गोरिल्ला से मिलता है, एक और चिंपैंजी से मिलता है जो कि सर्कस से आया हुआ था और उसे भी इशारों में बातें करना आती थी। वो चिंपैंजी उस गोरिल्ला से कहता है कि जब तक हम साथ हैं हम जीत सकते हैं। और तभी वो उस जगह से निकल आता है और उस साइंटिस्ट के घर जाता है। वहां से उसकी बनाई गई नई मेडिसिन उठाता है और दोबारा से उसी जगह पर आ जाता है जहाँ पर वो कैद था। वो दवाई वहाँ पर खोल देता है जिसकी वजह से सब चिंपैंजीज उस जैसे हो जाते हैं। लेकिन दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि दूसरे चिंपैंजी पर वो नई मेडिसिन टेस्ट करते हुए एक वर्कर के मुंह में वो चली गई थी जिसकी वजह से उस वर्कर की डेथ हो गई, जिससे हमें पता चलता है कि इंसानों के लिए नुकसानदेह है जबकि इसका चिंपैंजीज पर अच्छा असर होता है। फिर हम उस आदमी को देखते हैं जो कि इन चिंपैंजीज को तंग किया करता था और वहां पर काम करता था। वो आदमी उसे रोड से करंट लगाने आता है तो वो चिंपैंजी उसका हाथ पकड़कर रोकता है। वो वर्कर कहता है कि जानवर अपने गंदे हाथ मुझसे दूर करो, तो चिंपैंजी यहाँ पर पहली बार बोलता है कि नो। वो वर्कर ये सुन के काफी हैरान हो जाता है और वो चिंपैंजी उसे पंच करके गिरा देता है। अब वो चिंपैंजी बाकी चिंपैंजीज के पास जाता है ताकि उसे आजाद करके यहाँ से निकाल सके। लेकिन अब वो वर्कर होश में आ चुका था और अब उन्हें करंट लगाने के लिए दोबारा से आगे बढ़ता है। चिंपैंजी उस पर पानी वाला पाइप फेंक देता है जिसकी वजह से उसे ये करंट लग जाता है और वो मर जाता है। अब वो चिंपैंजी बाकी सारे चिंपैंजीज को लेके वहाँ से बाहर आ जाता है। अब ये सब मिलके जू जाते हैं और उन चिंपैंजीज को भी बचाते हैं। फिर ये लोग उस कंपनी में जाते हैं जहाँ पर वो साइंटिस्ट काम किया करता था। ये लोग वहाँ पर मौजूद चिंपैंजीज को भी बचा लेते हैं और सब एक साथ खड़े हो चुके थे। सब के सब चालाक चिंपैंजीज बन चुके थे। ये सब इंसानों के खिलाफ बोलने लगते हैं कि वो बुरे हैं, हमें कैद करके रखते हैं, हम पर जुल्म करते हैं। जब वो साइंटिस्ट उस जगह कॉल करता है जहाँ पर वो चिंपैंजी को छोड़कर आया था तो कोई भी उसकी कॉल नहीं उठाता। वो वहाँ पर खुद जाता है तो देखता है कि वहाँ पर कोई भी नहीं है। वो वहाँ पर एक जख्मी आदमी से पूछता है कि वो कहाँ गया, तो वो आदमी उसे बताता है कि वो चला गया सबको लेकर, लेकिन वो बोला है आज। तो साइंटिस्ट हैरान हो जाता है और वो समझ जाता है कि वो लोग अब कहाँ गए हैं। पुलिस को भी इस बात की खबर हो चुकी थी और वो चारों तरफ फैल गई थी कि उनको पकड़ सके। अब हम देखते हैं कि सब चिंपैंजी उस जगह जा रहे होते हैं, उस पार्क में जहाँ पर वो साइंटिस्ट उस चिंपैंजी को लेकर जाता था। वहाँ जाने के लिए वो एक ब्रिज से गुजरते हैं जहाँ पर पुलिस उन पर अटैक कर देती है। वो चिंपैंजी भी उनसे फाइट करते हैं। इस दौरान एक चिंपैंजी एक पुलिस ऑफिसर को मारने वाला होता है कि तभी उस साइंटिस्ट का चिंपैंजी बोलता है कि नो, यानी उसके दिल में अभी भी रहम था, वो लोगों को नहीं मारना चाहता था। तभी साइंटिस्ट का बॉस अपना हेलीकॉप्टर लेकर उस जगह पर आता है और सब चिंपैंजीज को शूट करने लगता है कि तभी वहाँ पर एक बहुत बड़ा गोरिल्ला उस हेलीकॉप्टर पर अटैक कर देता है जिससे वो क्रैश हो जाता है और ब्रिज के साथ लटक जाता है। साइंटिस्ट का बॉस अभी भी जिंदा था। तभी उसके पास वो चिंपैंजी आता है जिस पर उन्होंने लैब में वो नई मेडिसिन टेस्ट की। वो उस हेलीकॉप्टर को ब्रिज से नीचे गिरा देता है जिससे साइंटिस्ट का बॉस यहाँ पर मर जाता है। सब चिंपैंजीज मिलकर उस पार्क में जाते हैं जहाँ पर वो साइंटिस्ट का चिंपैंजी आया करता था, वो वहाँ पर रहना चाहते थे। तभी उनके पीछे पीछे वो साइंटिस्ट भी आ जाता है और अपने चिंपैंजी से कहता है कि बस करो ना, वो सब बस भी कर दो, तुम ये सब छोड़ दो, मैं तुम्हारा साथ दूंगा, तुम्हें घर ले जाऊंगा, तुम्हारी प्रोटेक्शन करूंगा, तुम्हारा ख्याल रखूंगा, वरना पुलिस तुम सबको मार देगी। तो उसका चिंपैंजी उसके कान में कहता है कि अब ये मेरा घर है, मैं यहीं पर रहूंगा। वो साइंटिस्ट भी समझ चुका था कि चिंपैंजी इस घर की बजाय जंगलों में ज्यादा खुश रह सकते हैं। वो उसे कहता है कि ठीक है, ये तुम्हारी जिंदगी है, जी लो इसे। वो जंगल में हंसी खुशी रहने लगते हैं और उस साइंटिस्ट का चिंपैंजी इन सब का लीडर होता है, उन्हें गाइड करता है, उनका ख्याल रखता है। फिर हम उस साइंटिस्ट के नेबर को देखते हैं, उसके नाक से खून आने लगता है क्योंकि जिस वर्कर ने एक्सपेरिमेंट के दौरान वो मेडिसिन इनहेल कर ली थी वो ये सब कुछ बताने के लिए उस साइंटिस्ट के घर आया था। लेकिन उसको वहाँ पर ना पाते हुए वो उसके नेबर के पास गया और इस दौरान उसने उस पर खांसी कर दी जिसकी वजह से वो भी उस मेडिसिन से इन्फेक्टेड हो गया था और इसी हालत में वो फ्लाइट भी उड़ाने वाला था, जिसका मतलब ये था कि उसकी वजह से बाकी सब लोग भी मेडिसिन से इन्फेक्टेड हो जाएंगे और पूरी दुनिया में तबाही मच सकती है। इसके साथ ये मूवी भी एंड हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।